तो स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और आज मैं आ गया हूँ जोरबाग स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे हुमायूं टॉम्ब है। तो मैं बैठा था मयूर विहार से, फिर मैंने लाइन चेंज करी, पिंक लाइन ली पहले, उससे मैं पहुँचा INA दिल्ली हाट पे, और फिर वहाँ से येलो लाइन से ही अगला स्टेशन जोरबाग आता है, और जोरबाग स्टेशन से ही हमको जाना है हुमायूं टॉम्ब, जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये मेरा पहला सोलो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, तो और भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो आइए आप भी बने मेरे साथ और ट्रैवल करते हैं आज हम। और जब भी आप यहाँ पे आएँ तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ये मैं आपको हर वीडियो में या हर जगह पर बोलता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमको विज़िट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, और उसमें आपको ये देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आ गया हूँ हुमायूं टॉम्ब में। जोरबाग से थोड़ा दूर है, 4-5 किलोमीटर दूर पड़ेगा ये। तो यहाँ से आपको ऑटो या ओला वगैरह कुछ भी मिल जाएगी, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं अभी 70 रुपीज़ में आया हूँ ऑटो में वहाँ से, और अभी हो सकता है कि ऑटो के रेट तो वेरी कर सकते हैं, तो आप जितना बार्गेन भी कर सकते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मुझे ज़्यादा बताए थे मैंने बार्गेनिंग करके, 70 रुपीज़ पे आए, तो 70 रुपीज़ में मैं यहाँ पर आया हूँ। अब देखते हैं यहाँ से अंदर का टूर कैसे होने वाला है। तो अभी यहाँ से पीछे से एंट्री तो कर ली है मैंने हुमायूं टॉम्ब में, अब सिर्फ लेकिन ऑनलाइन टिकट ही हो रहा है यहाँ पे, अभी ऑफलाइन की जो विंडो है वो बंद है। तो अभी 35 रुपये का टिकट कटा है मेरा ऑनलाइन में, और मैंने एंट्री कर ली है। थोड़ी थर्मल स्क्रीनिंग हुई, कुछ रिपोर्टर्स भी आ रखे थे न्यूज़ चैनल्स के, तो एक दो से रिपोर्टिंग भी करवाई उन्होंने, क्या मैं मतलब उनसे वो पूछ रहे थे एज अ विज़िटर, जैसे मैं विज़िटर हूँ यहाँ पर, तो पूछ रहे थे आपको कैसा लग रहा है कि 2 महीने बाद खुल रहा है। तो मैंने यही कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि फर्स्ट डे खुल रहा है आफ्टर लॉकडाउन, तो काफ़ी अच्छा है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे घूमते हैं, देखते हैं कैसा हुमायूं टॉम्ब। अब हुमायूं टॉम्ब के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, साथ में ये बहुत ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि इसको मुगल्स की डॉर्मेट्री भी कहा जाता है, उनकी ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 150 से ज़्यादा जो मुगल मेंबर्स थे, मुगल फैमिली के जो मेंबर्स थे, उनको यहाँ पे दफनाया गया है, उनकी यहाँ पे कब्र है, ग्रेव्स हैं। तो यानी कि एक तरह से पूरी डॉर्मेट्री है मुगल्स की, और एक बहुत ही शानदार मॉन्यूमेंट है। 1400s में बनाया गया था, 1400-1500s में बनाया गया था अकबर के कहने पे, और क्योंकि ये यहाँ से मुग़ल आर्किटेक्चर की स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद उसका जो कल्मिनेशन था आफ्टर लॉन्ग 80 ईयर्स, वो हमें ताजमहल में दिखता है। यानी कि यहाँ से जो मुगल्स के जो आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था मुगल्स का, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से उन्होंने अपनी जो ग्रैंडियर स्प्लेंडर था उन्होंने यहाँ पर दिखाना शुरू करा कि किस तरीके से आर्किटेक्चर हो सकता है, यहाँ से उन्होंने दिखाना शुरू करा, और वो आखिरी में ताजमहल पे जाके कल्मिनेट होता है, जहाँ पे हमें दिखता है कि एक बहुत ही सुंदर वाइट मार्बल से उन्होंने ताजमहल बनाया। हुमायूं टॉम्ब रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ये लाल लाल है यहाँ पे, वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, ये डिफरेंस है। लेकिन देखते हैं, मज़ा तो आ रहा है यहाँ पे, मौसम भी आज बहुत अच्छा है, धूप नहीं हो रही है, तो इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है, ठीक है यहाँ पे कहने में। और बाकी आप मेरे साथ बने रहें और देखते हैं सब चीज़ों को यहाँ पे। विशाल है ये, कैन मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे,
और अभी आज विजिटर्स बहुत कम है क्योंकि आज ही खुला है लॉकडाउन के बाद, लेकिन बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, गेट्स बने हुए हैं, मीनार हैं, यहाँ पे बढ़िया है और बहुत ही विशाल है, फैलता जा रहा है, एक के बाद एक जगह, एक के बाद एक जगह आती रहेगी, आप घूमते चल जाएंगे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, यहाँ पे अरब की सराई, हुमायूं टॉम, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे, 3-4 घंटे लग जाते हैं आराम से घूमने में। तो जब भी यहाँ पे आए टाइम लेके आए, और टिकट का ध्यान रखना, या तो ऑनलाइन कर दीजिएगा वो बेस्ट है, ऑनलाइन कर देंगे तो थोड़ा उसमें डिस्काउंट भी है ऑनलाइन में, वैसे टिकट शायद 50 रुपीज़ का है, ऑनलाइन 35 रुपीज़ का है मेरे हिसाब से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, देखिए इतना बड़ी बिल्डिंग है ये। ये है मेन टॉम्ब जो है हुमायूं टॉम्ब, और आप ऊपर देख सकते हो ऊपर नीला नीला, मतलब अगर आपको दिख रहा होगा दो छोटे छोटे ये दो नीले डोम्स भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डोम भी है, नीला गुंबद, वहाँ भी हम जाएंगे। तो ये ब्लू कलर की उस टाइम पे एक अलग ही टाइल वर्क किया गया था जो अपने आप में एक यूनिक था, उस टाइम पे ऐसा नीला टाइल वर्क कहीं नहीं किया गया था पहले। बहुत सारी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, इनको चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। भाई बहुत ही बड़ा है, जहाँ जहाँ तक नज़रें घुमाओ वहाँ वहाँ तक आपको गार्डन ही गार्डन दिखाई देगा, दूर दूर तक हुमायूं टॉम्ब का ही गार्डन है सारा। आप देख सकते हो कितना बड़ा पीछे तक, और ये मेरे पीछे देखो ये मेन मकबरा है हुमायूं टॉम्ब का, जो मेन बिल्डिंग है वो ये है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अब जाके देखते हैं इसमें अंदर कैसा है ये, बाहर भी काफ़ी सारी ग्रेव्स बनी हुई हैं, तो इस तरह पूरे प्रेसिंग्स में इसके ग्रेव्स फैली हुई हैं। अब 150 से ज़्यादा मेम्बर्स हैं, तो आप देख सकते हैं खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो ये है वो नीला गुंबद जो अभी 2017 या 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हुमायूं टॉम्ब के साथ ऐड हुआ है, पहले ये यूनेस्को की लिस्ट में नहीं था, इसको अभी ऐड किया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डोम है पीछे, और ये पूरा ब्लू कलर का है, तो ये इसकी खासियत है। Thank you.
बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, काफ़ी टाइम लगेगा घूमने में पूरा, और मुझे हो गए यहाँ पे 3-3.5 घंटे घूमते हुए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा भी आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और अगर आप इसके बारे में आपने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया है तो आपको समझने में, यहाँ पे देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रेफर करूँगा, जैसे मैं पढ़ के आया था थोड़ा सा इसके बारे में पहले, आप भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि हुमायूं टॉम के बारे में। इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, एंशंट हिस्ट्री का थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप, या मिडिवल हिस्ट्री का कह सकते हैं, एंशंट तो नहीं, मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप इसको फिर आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे इससे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, और आपको घूमने मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ वर्थ है मैं यहाँ पे आया और जो आपने इतना समय यहाँ पे लगाया। ठीक है, मुझे भी इसलिए मज़ा आया क्योंकि मैं इसके बारे में पहले पढ़ चुका था, और बस ये था कि वो बिल्डिंग्स जो चीज़ें पढ़ी थी वो असली में देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो आप यहाँ पे आए, देखो पीछे यहाँ पे कि ये ईसा खां की मस्जिद है, ये मस्जिद है, और ये उनकी, मेरे पीछे ये जो है ये उनका मुजोलियम है, कब्र है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं और ये सब हुमायूं टॉम्ब के अंदर ही है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये मतलब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के वजह से अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो मैं कहूँगा आपको यहाँ पे आपको आना चाहिए। हुमायूं टॉम्ब से तो मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से गुरुद्वारा दमदम साहिब, पास में ही है, 600 मीटर की दूरी पे है बस यहाँ से, पास में ही है। तो जाके देखते हैं क्या नाम है गुरुद्वारे में। उससे पहले देखते हैं कुछ खाने वाने का हो जाए, लंच वगैरह मिल जाए तो उसके आसपास ही, उसके बाद फिर गुरुद्वारा घूमते हैं।